गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीजी भारतम पाठ का अनुवाद कर रहे हैं जिसका ये लास्ट वीडियो है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, क्योंकि डिजिटल भारत का जो अभियान चल रहा था उसमें जिस तरह से मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता बढ़ी और उसके प्रयोग बढ़े, तो उसके आगे का है ये। पढ़ने के लिए पठनार्थम, पढ़ने के लिए पुस्तकें समाचार पत्र की ज़रूरत लगभग समाप्त हो जाएगी जिस तरह से मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है उसको देखते हुए। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्तगस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागज या नई जानकारी के लिए जो है शब्दकोशस्य शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सब मोबाइल में आपके जो है उपस्थित होंगे। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान हेतु मार्गदर्शकस्य अर्थात गाइड, मानचित्रस्य अर्थात मानचित्र या नक्शे की भी आवश्यकता अनुभूति अपनी न भविष्यति, की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। अगर यदि आप अनोन मार्ग पर जा रहे हो तो उसके लिए किसी गाइड या मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एतत् सर्व एक नेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, क्योंकि ये सभी एक ही यंत्र कर सकता है। आज आप अपने मोबाइल से पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं, उसमें अभ्यास पुस्तिका का कार्य भी कर सकते हैं, उसके डिक्शनरी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर यदि किसी जो है अननोन मार्ग पर जा रहे हैं तो आप उससे मानचित्र भी देख सकते हैं, और ये सभी काम एक ही यंत्र कर सकता है। इसके बाद जो है आपका शाकादि क्रियार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह में जो लॉज वगैरह होते हैं, होटल वगैरह होते हैं, उनमें कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय का शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, एक किम बहुना और तो और दानामपि दातुम और तो और दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में अलम चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल इंडिया इस दिशा में वयम भारतीय हम भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, द्रुतगत्या तेज गति से अग्रेसा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डिजि भारतम पाठ का अनुवाद पूर्ण हुआ। धन्यवाद।